टेस्टी और सॉफ्ट स्पंजी स्पंजी बहुत स्पंजी। तोर साधा इडली ना लिखिलु इडली रे प्रेस करलु से दिन टिके हार्ड है इला हार्ड बेसी टिके इला आज पूरा सॉफ्ट आज जे बैटर हो जे अलगा पूरा अलगा से दिन इडली रे कलर तो पूरा वाइट हो जिके ना इडा बाहर जो किना बीरी ये खाओ जो नड़िया पूरा वाला इडली ना देखा तो पूरा उसके साथ चटनी नड़िया पूरा वाला खाओ जो ये खाई बनी नड़िया पूरा मुझे चटनी ही मलाई ओके एंजॉय। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जूनियर फैमिली ब्लॉग। हेलो बोलो फ्रेंड्स आम घर को गोटे आम पे सरप्राइज नहीं यहाँ गोटे झटक झटक दार सरप्राइज हम मो हजबैंड एमती बड़ सरप्राइज मुझे आज पर्यटन दे नी आज गोटे बड़ सरप्राइज हम सरप्राइजा आसूची बैक्रे आप देखा बैक कैमेरा कर फर्स्ट टाइम एमती सरप्राइज हम मो हजबैंड देवी तो सहीटा आज मुझे ब्लॉग करुँ ब्लॉग्रे कैप्चर करुच्छे देखते आज कौ टाइप सरप्राइज हो बयस आप जानते बयस बसी जा तो फ्रेंड्स एबे तो मो वॉइस क्लियर सुभिबो किंतु जोटा कहूली से मो वॉइस क्लियर ना कहीं ये मो वॉइस क्लियर हेला परे वॉइस ओवर दौची। तो फ्रेंड्स आम वाशिंग मशीन आसीगला आठ कौन है ना बहुत सारा मानते दि चार वीडियो क्लिप्स डिलीट हो जाए मैंने एत मुझे सैड फिलिंग में वॉइस ओवर दौर एत कष्ट मत दुख मत लगला एक तो वाशिंग मशीन आसला अनबॉक्सिंग है सेटा शूटिंग करी से गला अनबॉक्सिंग है फास्ट से आने लिफ्ट आने ये आनिकी दुआर मुहर रखिक बाहर कर घर को आठ सेट कर भिडियोटा अच्छे तापर आपर भी मैंने एत दुख मैंने वाशिंग मशीन सेट हो सारापर पर हजबैंड लंच रु आँच रे आसी वाशिंग मशीन पूरा सरप्राइज दौली आपण मानक ना सरप्राइज यहाँ पूरा सरप्राइज ही सरप्राइज ही किंतु से भिडियो जो बन से भिडियो आपण माना ना डिलीट होते दुख लगे खोजुच्छे फोन में घंटा होगा खोजुच्छे किंतु से क्लिप्स ना राज आसिले घर को पशिले कहलु फिलिंगस घर को पशिले अंधार होता लाइट जल ना किंतु सेपट मैंने बाथरूम को जी ना पैंट सार्ट टेकाटेकी कले हाथ गोड़ तापर चाहला बेलू गोटे मरून कलर थुआ हो कौन से चाहेगी पूरा मानने ये कौन मानने एमती है किंतु माने सही जो शूटिंग करी माने आउे खाली मुझे वीडियो चलिए थी बोली मैंने पूरा साइलेंट होकर वीडियो चलेजी बोली से अनदेन कौन 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 पे शूटिंग करूँ ये रही इंजीनियर से जी कि इंस्टॉलेशन करुँच इंजीनियर आसते वाशिंग मशीन तरफ से शोरूम्रु तो से लगा लगी करुँच सबकि तो हजबैंड जो मैंने सरप्राइज हो गले पूरा जो तू कहीं मतलब शूटिंग करुचु कौन कौन नहीं शूटिंग मुझे करुँ से घर बुले बुल वाशिंग मशीन देखीदे से जो क्लिप्सटा बनई मुझा पूरा डिलीट हो जाए एत दुख लगुच कष्ट लगुच मैंने कह भी कौन आओ मु तो ये देखो इनस्टलेसन कराई सब सेट सैट ठीक से होमर ये जगह वाशिंग मशीन पूरा परफेक्ट अच्छी ना बाथरूम ना आ कि रहीबार ना ये रोच वाशिंग मशीन ये तार पा टैप भी ये अच्छी तो ये सब किसी इनस्टलेसन करके जापर आप देखिया सफा हम देखिया आम घर पे कपड़ा सर तो सर ये गोटे ड्रम आर गोटे ड्रम तलटा फुल ताऊपर एतिक लेयर एटी गोटे ड्रम फुल ताऊपर एतिक लेयर जे जहाँ पिंधे फोपाड़ देखिए गले कौन चल देखे कौन चल स्पिन सेकंड सरप्राइज आम देख लु बैसाखी दीदी को बैसाखी दीदी हेलो बोलो गुड इवनिंग बोलो तो भाग दादा को देखे तुम दादा भी सरप्राइज कर दे माने तांको भी हमें करथिलु दादा बेसी सरप्राइज दादा बढ़िया सरप्राइज गाड़ी खोली हेले गाड़ी देव मा कोनी किछ जान नथिला मु केमति के आ जानी ये केमति कोन जानला हेले दादा किछ जान नथिले कैसा लगा
तुम तुम्हारे जो ससुराल ले ले जाना शादी के बाद। थैंक यू। तुम्हारे शादी का गिफ्ट है, हम लोग दे रहे हैं। ओके ओके ओके, ले जाना। केमी लगुच फ्रेंड आमर वाशिंग मशीन। तो फ्रेंड्स देखिले आपण माने नुवा घरे नुवा सामान एक्साइटेड सामान एटा। तो आप किछ जण कहले जे एबे तमर जणे मते एमिति कमेंट करे जे एबे तमर खाली नुवा घर चलिबो। यस ऑब्वियसली कने नुवा घर को आसी जते बळे तो नुवा घर ही चलिबो। पुराना घर 8 वर्ष धरि से घरे आमे रहितलु, से घरे एते सारा मेमोरी एते सब छाडी कि आसी गलु ए घर को। तो नुवा घर तो रहिबो ना एबे दिमागरे केवल एटा मात्र। तो आमे ए घर को आसीबार हेला जेके मासे हेनी 20 दिन आम आसीलु। जनवरी डिसेम्बर 30 रे आम ए घर को आसीलु। मोटे मेमोरी भी आपण मैंने भी मन रखिथे एमती भूली जाइली गाँव के बेली मैं जड़े कहले अमक तारीख जाइल गाँव को। यस आम डिसेम्बर 30 रे घर को सिफ्ट कलु। जनवरी 30 हेल्ले मसे हे तो जेके मसे है 20 दिन तारीख टा के मन पड़नी। तो आमर देखिले वाशिंग मशीन आसीगला ए घरे। एबे आसीबो किछ सामान एमती नुआ नुआ किछ आसीगला नी किछ आसुच्छे छोट बड़ एमती आसुच्छे। ए बड़ भितर ए सामान टाइम वाशिंग मशीन टाइम आमर आसला नुआ सामान। वाशिंग मशीन टा आसीर एक्चुअली बहुत सारा रिजन मेन रिजन है। वाशिंग मशीन पूरा डैमेज होता केवल तार वाश होता आउ किछ होनला। मीन्स तार जो ड्रेन ड्रेन टा तो हेलानी पाखापाखि बर्षे पाखापाखि मोर ड्रेन सेपट घर खराब होकि पड़ा। आउ मुझे जेना कहीं बहुत जन मन एक कथा आसुचे नुआ घर ने प्लस नुआ सामान किणाकिणी एत सारा सपिंग एम सब कमेंट आसूँ। आउ ये गोटे रियल कथा कहीदे मोर वाशिंग मेसीन टा हूँ इनस्टलमेंट आसी किसी ना ये कथा लगे जन आस पी कहे एत तुम कहीं ओपन करुच कथा एत कौन अच्छे इनस्टलमेंट आटा कि गोटे मैंने लुचिया छपा कथा ना इनस्टलमेंट वाशिंग मेसीन आनी। वाशिंग मशीन प्राइसटा हूँ पचारे आप वाशिंग मशीन प्राइस हो 14,000 समथिंग। आउ 8 kg एटा एटा 8 kg अच्छी भाभी करदेवी देखेदेवी आप सब तार सब डेमो वगैरह कितु कौन है कहले ना मो से जो क्लिप्स गुड़ा आप देखिले फ्रेश क्लिप्स मैंने वाशिंग मशीन घर को आसला। आउ तार सब इनस्टलेसन करदे आसते इंजीनियर से करदे सब से सब फ्रेश क्लिप्स मैंने आम सरप्राइज गुड़ा से सब फ्रेश क्लिप्स किंतु एबे जो ए जो कथाटा बसिक मुझे हो 2 दिन पर कहीं से मो वॉइस बिल्कुल भल नाला वॉइस बिल्कुल भल ना बोली फिलिंगस भी भल आसुन फिलिंगस खुशी थी भितर कि मुझे सेयार करवाटा मोर भल से आसन। तो 2-3 दिन पर यहाँ मुझे वेट कलापर मो वॉइस टिके नॉर्मल है पूरा तो नॉर्मल है ही आहरी अच्छी टिके नॉर्मल है मुझे आज मो फिलिंगस आपत सेयार कर वाशिंग मशीन विषय में सब रिजन कहीदे कहे सब नु घर नौ प्लस सबकि मैंने देखी चाहिए हो। हाँ वाशिंग मशीन कथा कौन कहना बर्षे तलू तार ड्रेन खराब था राज तार पार्ट जामती मोर घर कि जिनस खराब हेल्ले राज कौन करते सब बड़े सीता निहाती गोटे चुटकुला मुटकुला कौन करके सजाड़े दिखते जहाँ हेल्ली से निजे कौन देखा देखी करदे पार्टस कि लगेदेवे मोर हो जाए। आगे थे खराब था स्पिनर से गोटे पार्टस कि लगे सजाड़ देते एवं बर्षे हो गलानी एवं ना बर्षे होगानी से पुराणा घर ड्रेन टा मोर खराब हो गला। ड्रेन रे जो पार्टसटा से खोजिले कौटे भी मिलला ना खोजी खोजी मिलला ना से कौन कले ना से ड्रेन टार जो पार्ट भांगी जाए से गोटे एमती टाणला भाया गोटे रसी को बांधिदेले रसी को बांधिदेले से रसीटा को टाणिले एंड टाणी धरले एंड एंड टाणी धरी मैंने बुझी पड़ते तो पानीटा ड्रेन हो जाए। तो से चक्कर मुझे प्राय दिन वाश करनी मुझे रागिली जो कह ना मोर सजन मुझे वाश करें एमती टाणी धरे आम कौन हाउस वाइफ मैंने आम ड्रेन टा मारदेलु किचेन को आसीज रोष करूँ पुणी ड्रेन हो खोलू किए ठिया कि रसिक टाणी धर टाणी धरने पड़ो धरिकी रही पानी ड्रेन जीव पुणी स्विच अन कर पुणी पा अन कर तो बुझीपे कौन टा प्रोब्लेम। तो मुझे रागुली प्राय टाइम राज वास कर देखी थे मोर जहाँ पड़े भी राज कर केवल से ही रिजन मैंने ड्रेन हुए ना टाणी खींचिक धरव पानी जीव तपम तो मुझे राग कैनि मैक्सीम टाइम से करते मिनिमम टाइम मुस कैपर ड्रेन खराब होता तापर कौन आम यही घर को आसबार किसी दिन पूर्व मैंने डिसेम्बर हाफ मझिया मझिया मोर स्पिनर भी खराब हो गला स्पिन हलानी किसी कपड़ा स्पिन मानने घड़घड़ बंद बंद हो गला। आपरे वाशिंग मशीन आमको किणवार
2-3 वर्ष है आम वाशिंग मशीन आणबू हौलु कि आम से घर पर वाशिंग मशीन नौनु कहीं आप देखिए सेपटे आम जो वाशिंग मशीन टाला से बर्षा खरा सब पड़े देखिए आपर आजबेस्टा आम जो सेकेंड बाथरूमटा बड़ बाथरूमटा थी सेपट घर से बाथरूमटा हूँ आजबेस्ट पार्टा तो आजबेस्ट जगह से खरा पड़े बर्षा छिटका पा बर्षा दिन में पूरा बर्षा हो जाए से वाशिंग मशीन छिटका मारी मारी पूरा ओदा हो जाए विंटर में पूरा थंडा पड़े खरारे पूरा खरा पड़े पड़ी पड़ी कलर फेड होगा प्लस मानते डैमेज टाइप से 2010 न्यू इयर आम तो गोटे भाग्य था 2010 न्यू इयर दिन से वाशिंग मशीन आम घर को आसाला नुआक 2021 वाशिंग मशीन 2021 नर्ष मैंने तो फास्ट मस ना यहाँ तो यही मस वाशिंग मशीन आसला यहाँ थाए भगवान आदेश जा तो दुई कहले ना 2010 जो वाशिंग मशीन आसला से घर को 2012 आम सिफ्ट कलु 2010 आउ गोटे जगह थी 2012 जो घर को आम आसलु से घर को आसू आसू गोटे पिलाटे से पटर गोड़ी गोटे बड़ाटे पकईला से वाशिंग मशीन उपरटा फाटी आप देखिथे के मार्क करेंगे वाशिंग मशीन उपरटा पूरा फाटिकी आईकिला सेमती मोर चली आ थोड़ी ना 2 वर्ष चेंज कर देवे 2012 घर को आस 2012 से फाटी कितु मो ड्रेन स्पिन सब खराब हो गला परे परे एटा सेटा वर्लपूल थिला एटा भी वर्लपूल वर्लपूलटा आमको भल फायदा आम देख लु वर्लपूलटा भल रोचे बहुत वर्ष पर जाए खराब है आउ सब आम जहाँ देखु ये बहुत जल्दी मैंने समस्त शुणु जहाँ रिलेटिव मानक जल्दी खराब हो जाए कौन मटर पोड़ जाऊँच कौन होम वर्लपूलटा किसी पोड़ा पोड़ी ही ना वास्टा तार पूरा फास्ट भल था किसी केवनी थे अधे गोटे कौन होता ना कौन मन पड़े बहुत वर्ष जो है किंतु ड्रेन आउ स्पिन लास्ट मोमेंट गला आउ वाशिंग मशीन किनबार था एम समस्ते कहले मुझे से कहूँ आम समस्ते मीन कौन आम जो मैंने डिसीजन नौ दे राज तो मैंने कहले आम चल घर गोटे देखा घर जब चेंज कर नुआ वाशिंग मशीन आनिया यही घर आम यही भंगार चल आडजस्ट कर टोटाली आम वाशिंग मशीन 3 वर्ष तलू प्लानिंग होसी नुहे जी एवं प्लानिंग है आसला ये टोटाली नुहे टोटाली रंग एवं प्लानिंग है कि आसनी आप बहुत जन एमती भी भावे तो मुझे क्लीअर करदे आप कहते एत पैसा उड़ेर कि कौन जहाँ आप मन क्वेश्चन आसपे तुरंत घर ना तुरंत वाशिंग मशीन ना वाशिंग मशीन प्लानिंग हार्डली 3 वर्ष हम प्लानिंग चलता 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 घर ने जाए आउ गए रेन्टेड हो कि जहाँ भी हूँ रेन्टेड भी तो घर ना नुआ घर आमको स्पेसीयस है तो इसी पाएंगे आमें नुआ वाशिंग मशीन रखापी तो भल जगह दरकार से नुआटा आने आम सेम जगार पकई पार न था जदि घर भी न आनी था वाशिंग मशीन कि आनी था आउ 2-3 वर्ष पर कितु एमती खराब है प्लस घर भी नहीं तो आम वाशिंग मशीन नहीं आसलु इनस्टलमेंट आनीचु आर डाउन पेमेंट वगैरह मुझे किसी बुझी हाँ आप कहे कौ वाशिंग मशीन भल कर आइडिया देते प्लीज आगे कम आसो मोर आपण मान जो वाशिंग मशीन भल कि नाई कौन पड़ू कौन ना कहे आउ या भितर एटा तो मुझे 2 दिन पर ब्लॉक कली या भितर वाशिंग मशीन में धूम सारा सफाई हो गला राज एमती कहले ना एवं तो सब घर घर मैला सर जो ये मैला बहुत सारा सर ओनली मो शाढ़ी फाड़ी सब अच्छे सब हाथ में वाश करी शाढ़ी मुझे वाशिंग मशीन में धोबा पसंद कैनि टोटाली तो सब सब हाथ में ही धोबी बाध्य बास देह टे भल आप देखुए मुझे डल हो गले मानते देह खराब आउ कौन कहला घर घर भी आम प्लानिंग 4 वर्षर आम पूरा फिक्स होता आम घर सिफ्ट करमी आगुरी भी मुझे घर आम सिफ्ट करने बसु आमको गोटे जगह आगुरी थे कहली ब्लग रे सायद घर आम गोटे जगह को पैकिंग पटा भी कर देलु आडभांस भी देखूँ आउ गोटे जगह को सिफ्ट करता से पाखे था आम आडभांस भी देखूँ आ पैक भी सरीला एथर को जमी आम कार्टून पैक करूँ से पैक भी सरी किंतु लास्ट मोमेंट रे आमको घर ही छाड़लानी माने आम जो घर थी ये जो घर आम आसलु से घर ही आमको छाड़लानी माने अजीब टाइप आमको टाणी धरला गला बेलू पैकिंग सरला माने बाहर बेलू खाली कांद कांद लगे दुख लगे जगह छाड़े में इच्छा हालानी किंतु गोटे था ना बोधे से ही समय अटके से घर कितु एवं आमको छाड़देला से घर देखा तो घर आम 4 वर्ष तलू प्लानिंग जे आम घर सिफ्ट करूँ घर सिफ्ट करूँ बहुत जन पचारे घर कहीं सिफ्ट कल रिजन तो कही घर सिफ्ट कलु कहीं एक आम फैमिली मेम्बर्स जादा को आम तो ये जन अच्छे झील गुड़ा देखुए मोर के सारा आपर बापा आस मजे शशुर बापा आसे आ मो बापा भी आसवे मन कर आमर मोस्टली कौन जार देह खराब हुए
ମନେକର ମୋ ବାପା ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ରେଷ୍ଟ ହଉ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଚେକଅପ୍ ବଗେରା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଅବଭିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଗାଁରୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇବୁ କି ସେଠି ରହିବୁ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏସବୁ ଭାବିକିରି ଆସନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଆମେ ସେ ଘରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଚାଲୁ ସେ ଘରେ ତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ମୋ ଝିଆରୀ ମାନେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଗାଁକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ଯିବା, ସେଥିପାଇଁକା ଘର ଆମେ ବଡ଼ ନେଲୁ। ବୋଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଠି ଆମେ କହିଲୁ, ଆଉ 4 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ ଯେ କହିହେବ, ମନେ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ପଡ଼େନି। ମାସି ମେସିନ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ଲାନିଂ ଥାଇ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ କଥା ରୋଡ଼ ବାସି ମେସିନ ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ରିଜିନ୍ ରହିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଘର ବି ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘର ଏବେ ସିଫ୍ଟ କଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧୂଆଁଧାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇକିରି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୁକ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଗଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତ କହୁଛି ଏଇଟା, ମାନେ ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ସୋମବାରର, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୋର କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିବା, ଖାଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଦେବା ଗୋଟେ। ତ ଏମିତି କଥା ହଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏବେ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଆଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଏ ପୁରା ନା କହିଦେଲେ, କହିଲେ ରହମ ଏବେ ନୁହେଁ ହାତରେ ସବୁ ଧୁଅ, କ'ଣ କରିବ ତମେ ଘରେ ବସି ସବୁ ହାତରେ କପଡ଼ା ଧୁଅ, କିଛି ଆସିବନି ଏବେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଏମିତି କହିଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଓନ୍ଲି କରୁଥିଲୁ ଯେ ବୁଝିବା ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ବି ଦେଖିଲୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିବା ନହେଲେ ଖାଲି ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସୋରୁମ୍କୁ ପଳେଇଛି, ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସୋରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇକିରି ବାପୁଜୀନଗର ସାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ବାପୁଜୀନଗର ସାର ଯାଇକିରି ସେ ତାର ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ, ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମକୁ ସେ ଡେଲିଭରି ଦେବେ। ସନ୍ଡେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁକ୍ କରିଦିଆହେଲା, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ବୁକ୍ କଲୁ, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି ମିଳିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଗଲା। ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ୟେସ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 4,000 କି 5,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ବୁକ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆଉ ଜଣେଇବିନି ସେଦିନ ସନ୍ଡେ ଦିନ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ରହିଗଲି ଇଭିନିଂ ସାରା ରାତିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ କାମରେ କ'ଣ ବିଜି, ସେଥିରେ ମୋର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କାଶ ଫାଶ ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଲକୁଲ କରୁନଥିଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଫିଲିଂ। ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ ସେୟାର କରିବି, ତଣ୍ଟି ବସିବାର ଫିଲିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ତ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, କାରଣ କିଛି ହିଁ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, ପୁରା ଚୁପ୍ ରହେ, ତ ଠରାଠରି ଯାହା କରେ। ତ ଆଙ୍କୁ ଆଉ କହିପାରିଲିନି ଯେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଇଏରେ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେବା ଯେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସୋମବାର ଦିନ ଇଏ ଲଞ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦେଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲି, ପୁଣି ନୂଆ ଘରେ ଅଚାନକ ସେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଆସିବାର ନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ 2-4 ମାସ ପରେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଏମିତି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ସ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଥିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିକିରି କଥା ହେଉଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଟିକେ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ତ ରହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି, ଆମର ନୂଆ ସମୟ ଆସିଛି, ପୂଜା ହବ, ସେଇଟା ବି ପୂଜା କାଲି ହବ, ଆଜି ଆଉ ପୂଜା ଦେହ ଖରାପରେ ମୁଁ କିଛି ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି, ତ କାଲି ଯାଇକିରି ପୂଜା ହବ। କାଲି କ'ଣ ମାନେ ପୂଜା ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।